हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा शेयर जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अभी लेवल्स पे भी है और साथ में ऐसा बिजनेस करता है जो कि टाटा अंबानी अडानी और आईटीसी को भी टक्कर दे सकता है। तो हम बात करने वाले हैं बहुत बेहतरीन शेयर की, इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा बिजनेस डिटेल और पूरा फंडामेंटल और पूरा चार्ट भी आपको समझाया जाएगा और कहाँ पे आपको इसके अंदर पोजीशन बनानी है वो भी बताया जाएगा। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, इम्पोर्टेंट शेयर है, बहुत अच्छे लेवल पे है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है, एक एक चीज़ आपको ढंग से समझाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं उसका चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक चाल आई हुई है और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन किया है और ये कंसोलिडेशन करने के बाद में यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे एक्टिवेशन चांसेस ये हैं कि ऊपर चला जाए। मैं यहाँ पे आपको पूरा चार्ट भी दिखाऊंगा, ये वीकली चार्ट है और उसका पूरा मंथली चार्ट दिखा करके आपको ट्रेंड भी समझाऊंगा कि ये शेयर है वो किस ट्रेंड में चलता है। हालांकि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो शेयर है वो इतने ही अच्छे तरीके से चलता है जहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहा है, तो बहुत बेहतरीन शेयर है। आपको नाम बता देता हूँ, मैं आपको विप्रो कंपनी का नाम है। अब विप्रो नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा कि विप्रो सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रही होगी। हाँ, ये सही बात है कि विप्रो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज के अंदर, यहाँ पे टॉप आईटी की 5 कंपनियों में से एक कंपनी है। तो ये विप्रो है वो आईटी सेक्टर के अंदर काम तो करती ही है, लेकिन मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ आईटी सेक्टर में ही काम करती है? नहीं, आईटी सेक्टर के अलावा भी बहुत काम करती है विप्रो कंपनी। विप्रो की एक कंपनी है विप्रो एंटरप्राइजेज, वो एंटरप्राइजेज कंपनी है, वो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग सेगमेंट में भी काम करती है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर भी काम करती हैं। 2 सेगमेंट हैं इनके अंदर ये काम करती है। अब यहाँ पे मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि हम सिर्फ इन विप्रो को आईटी सेक्टर के लिए ही देख करके काम नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि विप्रो कंपनी है वो आईटी सेक्टर में तो काम करती ही करती है, यहाँ पे हम आपको पता है कि आईटी सेक्टर में करती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी है वो ये यहाँ पे दिख रहा होगा कंज्यूमर केयर है, इसमें काम कर रही है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रही है और जो स्किन केयर हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ जो रिलेटेड जो भी जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किन केयर के अंदर आती हैं वो भी काम करती है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अभी FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनके सेगमेंट में भी ये काम कर रही है, तो उसके लिए मैं आपको ये बिजनेस जो आपको नहीं पता होगा कि ये FMCG के अंदर भी काम करती है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको डिटेल देखनी है तो ये आप डिटेल देख सकते हो कि यहाँ पे जो अभी ये वाला जो सेगमेंट है FMCG वाला, इसको तो मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस प्रकार का है ये। तो यहाँ पे इसके अलावा जो बिजनेस है वो इंजीनियरिंग वाला है, उसके अंदर देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है, तो ये भी इसका एक काफी ज्यादा बिजनेस है। इसके अलावा FMCG का देखोगे तो इसमें 8,300 के करीबन एम्प्लॉई है और यहां पे 40 कंट्रीज के अंदर ये काम करती है। तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर देता हूँ। आईटी सेक्टर के लिए विप्रो आपको पता है कि बहुत अच्छा रिटर्न देती है, बहुत अच्छी कंपनी है और टॉप 5 कंपनीज हैं इंडिया की, उनमें से एक है, लेकिन कंज्यूमर जो केयर है, लाइटिंग सेगमेंट है, उसके अंदर भी ये काम करती है, साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के अंदर काम करती है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, वायर डिवाइसेज और लाइटिंग मॉड्यूल्स भी बनाती है। यहाँ पे आपको मैं कंट्री बता दूँ तो इतने सारे कंट्रीज़ के अंदर ये काम करती है। तो इसके अलावा अब चलते हैं जो इनकी ब्रांड्स हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और भी। अब FMCG को मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूं कि क्या कर रही है उसके लिए भी, तो बिजनेस मॉडल समझाता हूं आपको। तो यहां पे ये आपको सोप दिख रहा होगा, चंद्रिका नाम से इनका ब्रांड है। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे संतूर है, जैसे हैंड वॉश हो गया, फिर शैम्पू हो गए। इसके अलावा यहां पे इनके 40 ब्रांड्स हैं जो यहां पे आपको लिस्ट भी दिख रही होगी। इन 40 ब्रांड्स के अंदर जो स्किन से रिलेटेड या सैनिटरी से रिलेटेड आप मान लीजिए और हेल्थ से रिलेटेड आप मान लीजिए, तो इस सेक्टर के अंदर तो ये काम कर रही है। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ऐसे कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाती है, LED लाइट्स बनाती है, जो आपको सैंपल दिख रहे होंगे इनके, अगर डिटेल में देखना है तो LED बल्ब है, बैटन है, फ्लैट है, स्पॉट लाइट्स है, स्ट्रिप लाइट्स है, LED डाउन लाइट्स है, LED आउटडोर है, वॉल लाइट्स है, इमरजेंसी लाइट है, टेबल लैंप है, इतने सारे सेगमेंट्स में ये काम करती है और भी बहुत सारे हैं, ये सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने रखा है। अब क्या ये कंपनी है वो रिलायंस आईटीसी अडानी या टाटा को दे सकती है टक्कर? तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये टक्कर दे सकती है, विप्रो कंपनी आईटी सेगमेंट में तो है ही है,
ठीक है। लेकिन रिलायंस की टक्कर की बात करें तो रिलायंस का रिलायंस मार्ट है वो आप देखोगे एफएमसीजी सेगमेंट में काम कर रहा है, तो एफएमसीजी में जैसे रिलायंस काम कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे विप्रो भी काम कर रही है, ठीक है, और ये भी एफएमसीजी का काम कर रही है। मैं दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में कि किस प्रकार से एफएमसीजी में काम करने वाली है। आईटीसी भी सेम चीज प्रोवाइड करती है, टाटा की टाटा कंज्यूमर है जो काम प्रोवाइड कर रही है वो विप्रो भी कर रही है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो ये अब क्या करना चाह रहा है कि जैसे जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो हर एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होकर के उसको काम कर रही हैं, हर एक सेगमेंट में उतर रही हैं, तो वैसे ही विप्रो भी है। वो अपने मैंने आपको बताया कि आईटी सेगमेंट में तो है ही है, इसके अलावा जो हेल्थ से या स्किन केयर से रिलेटेड है उसमें काम कर रही है, और इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनानी है, लाइटिंग सेगमेंट में है, ये तो तीन थे ही। लेकिन अब एफएमसीजी बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कि अब पैकेजिंग फूड्स के अंदर ये काम कर रही है बहुत सारे, और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 14 कंपनी है इन्होंने एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, विप्रो ने क्या किया है 14 कंपनियों को एक्वायर किया है अपने एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। लेटेस्ट कंपनियों की बात करूं तो जो निरापारा कंपनी है, केरल की कंपनी है, इसको एक्वायर किया है, और केरल की जो ये कंपनी है आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे एफएमसीजी के बनाती है, राइस वेराइटीज हैं, स्पाइसेस हैं, जो मसाले बनाती है, पिकल्स होते हैं, अचार हैं, वीट प्रोडक्ट हैं, टी कॉफ़ी हैं, और ऑयल से रिलेटेड हैं, पल्स हैं, ओट्स हैं, तो ये सारे एडिबल रूट्स हैं। तो सारे सेगमेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वहाँ की केरल की बहुत फेमस कंपनी है निरापारा, इसको एक्वायर किया है और इसको अपने एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया है। इसके साथ में देखोगे तो ब्राह्मिन्स एक कंपनी है, केरल की ही कंपनी है, इसके भी यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पैक फूड के अंदर काम करती है, जो सेरल्स हैं वीट से बनते हैं, पिकल्स है, जो सेरल्स राइस से बनते हैं, इंस्टेंट मिक्स है, डेजर्ट्स हैं, जो मिठाइयाँ बनाने काम करती हैं, बेवरेज हैं, तो ये सारी चीज़ें ये भी बनाती है, तो इसको भी एक्वायर किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो विप्रो है वो यहाँ पे आईटी सेगमेंट में कर ही रही है, जो आपको पता होगा। लेकिन यहां पे आपको नहीं पता है वो है विप्रो एफएमसीजी, विप्रो है वो एफएमसीजी के अंदर भी काम कर रही है। हालांकि हो सकता है कि विप्रो जो स्किन केयर के अंदर और हेल्थ सेगमेंट में कर रही है इसके बारे में आपको पता हो, लेकिन जो यहाँ पे आपको लाइटिंग सेगमेंट में है वो भी आपको ये सिर्फ इतना ही पता होगा कि विप्रो ने एक जो एलईडी लाइट जारी की है जिसके बहुत सारे कलर्स हैं और मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है उसको एक ऐप के थ्रू, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बहुत वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे लाइटिंग सेगमेंट के अंदर और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के अंदर होम अप्लायंस में काम में जो आते हैं उनको प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। तो एफएमसीजी के लिए भी मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ कि एफएमसीजी के अंदर भी बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करते हुए आ रही है। तो अब ये चीज़ें हो गई, विप्रो का मैंने आपको बता दिया कितने प्रकार के बिजनेस मॉडल हैं और क्या क्या करती है, चार सेगमेंट में हो गया। एफएमसीजी के अंदर भी बहुत अच्छा काम करने के लिए 14 कंपनियों को अक्वायर किया है। विप्रो के फंडामेंटल्स देखोगे तो यहाँ पे विप्रो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, अभी सस्ते पे मिल रही है, पीई 18.7 है, इंडस्ट्री का पीई है 23.7 के करीबन है, तो यहाँ पे पीई यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे अट्रैक्टिव है, तो इसको आप ले सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि कब लेना है, चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो ये एक काफ़ी अच्छे ट्रेंड के बाद में लगभग 150 या 180 के करीबन था, वहाँ से चल करके ये 740 पहुँच गया, और 740 पहुँचने के बाद में ये करेक्शन करके 335 के करीबन आ गया था, तो यहाँ पे वापस ये 50% का डिस्काउंट हो गया एक तरीके से, तो 50% डिस्काउंट में विप्रो अभी ये मिल रहा है। तो कब लेना है ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये वीकली चार्ट पे ये एक पैटर्न बना हुआ है, इसको देखिएगा, इसका जब ब्रेकआउट होगा तब लेना है, लेकिन इसका एक मंथली चार्ट आपको जरूर से जरूर देखना है। मंथली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे 2009 में जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें गिरा था ये, उसके बाद में आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चल रहा है, और अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अब देखूँ यहाँ पे, तो ऊपर जाने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आ गया है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ से जो शुरुआत हुई थी उसका 61% का करेक्शन भी पूरा हो गया है, तो ये चीज़ भी हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है, अगर इसका ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होता है तो अब यहाँ पे ऊपर के साइड में इसके अंदर चाल बहुत अच्छी आने वाली है। हालांकि जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले 1 से 1.5 साल या 2 साल से अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाई हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा है वैल्यूएशन पे चली गई थी, तो अब वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे आ चुकी हैं, वैल्यूएशन सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज़ तो देखनी ही है कि मतलब वैल्यूएशन भी ठीक है और यहाँ पे प्राइस भी अच्छा है। ब्रेकआउट होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 385 है, यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस इस जो लो बना हुआ है यहाँ पे होना चाहिए आपका। ये जो शेयर है वो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आपको पता होगा कि आपने कहानी भी सुनी होगी बहुत सारी कि विप्रो के अंदर 1 लाख रुपए आज से 30 साल पहले डाले थे तो आज 400 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपए ऐसे हो गए थे, और सच में हो गए। विप्रो की आईटी कंपनी जो आईटी कंपनी है उसने दिए भी हैं, लेकिन वो यहाँ पे
अब ये कंपनी आपको पता है कि इस कंपनी ने बहुत सारे अदर सेगमेंट में उतर के भी काम किया है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 से 1.5 साल पहले विप्रो का जो यहाँ पे ऑफर प्राइस आया था बाई बैक का, तो उसमें क्या कहा गया था कि विप्रो उस टाइम पे भी लगभग 350 के करीबन चल रहा था और वहां पे 400 रुपए के भाव के करीबन बाई बैक आया था। तो यहाँ पे विप्रो है वो 1 वीक के अंदर ही 450 के करीबन पहुंच गया था, तो बाई बैक आया था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि 1 या 2 दिन पहले ही अभी भी विप्रो का बाई बैक आया है और लगभग 12,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बाई बैक है। और अभी विप्रो का भाव देखोगे तो ये लगभग भाव था 370 के करीबन, तब बाई बैक आया था और यहाँ पे 385 चला गया है। और अब यहाँ पे बाई बैक की उन्होंने प्राइस रखी है कि 445 रुपए के अंदर प्रति शेयर है वो बाई बैक करने वाले हैं टेंडर रूट के थ्रू। तो ये बाई बैक का भी आप फायदा उठा सकते हो, बाई बैक 445 पे कंपनी खरीद रही है, खुद प्रोमोटर्स हैं वो कंपनी जो पब्लिक के पास शेयर है उनको 445 रुपए के भाव पे खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी 385 चल रहा है तो कंपनी खुद खरीद रही है, तो आपको बिलीव होना चाहिए कि कंपनी काफी ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दी कि बाईबैक जो हो रहा है उसका भी आप फायदा उठा सकते हो, उसके चलते जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी ऊपर रन कर सकती है। साथ में आपको जो चार्ट पैटर्न है सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि किस प्रकार से ये ऊपर जा सकता है, और इनके बिजनेस सेगमेंट्स को मैंने अलग अलग कवर कर दिया है कि क्या क्या करती है, तो वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस की। आशा करता हूँ जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फ्री के अंदर ये कैलकुलेटर चाहिए जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके देता है इंट्राडे और स्विंग के लिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेंड करना है। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स में आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा, साथ में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है AMC के नाम से जाना जाता है वो भी लाइफ टाइम के लिए 0 होगा, तो अपस्टॉक्स में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ चलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।